किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, पिछले 4 माह से मैं जीवामृत का प्रयोग कर रहा हूँ और मुझे इससे पौधों में बहुत फायदा नजर आया है। ये है मेरा जीवामृत बनाने की विधि। जो मैं ये पुष्प जी हैं चंदना कोली गांव के, इनके यहाँ आता हूँ। ये इनके फादर हैं और ये देखिए ये गऊ माता हैं, दोनों साहीवाल गाय हैं। और ये देखिए, जब तक मेरे पास गाय नहीं होती तब तक पुष्प जी ने मुझे ये दान करने का बीड़ा उठाया है। ये मैंने गोबर लिया है यहाँ से। एक ड्रम है 200 लीटर का, इसमें हम जीवामृत बनाएंगे। ये हम अब 10 किलो गोबर लेंगे। ये हमारा 10 किलो गोबर हो गया। अब हम 10 लीटर गौमूत्र लेंगे जो हम पुष्प जी के यहाँ से लाए हैं। ये गोबर को बहुत अच्छी तरह घोलना है जिससे कि इसमें कोई भी गुठली न बचे। ये बेसन लेंगे 1 किलो। ये हो गया हमारा 1 किलो बेसन, हमारा 1 किलो गुड़ हो गया, ये गुड़ हो गया। इसी प्रकार बेसन को घोलना है कि उसमें कोई भी गुठली न बचे। और ये बेसन तैयार हो गया, अब हम गुड़ घोलेंगे। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और जितना हो सके घोल दें। जो नहीं घुलता कोई समस्या नहीं है, ये बाद में घुल जाएगा। मिट्टी किसी भी मेड़ की ले लें या पेड़ के नीचे की, जहाँ पर आपका कोई केमिकल खाद न पड़ा हुआ हो। तो ये हमारी मेड़ की मिट्टी है। ये हमने 1 किलो मिट्टी ले ली, ये देखिए। अब हम इसे भी पानी में ड्रम में पानी चला दिया है। और ये हम जो गौमूत्र और गौ का गोबर है वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, इसका घोल तैयार किया हुआ है। अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। और अंतिम चीज़ हम इसमें गुड़ डालेंगे। जब आप गुड़ डालते हैं तो एरोबिक क्रिया के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप इस घोल को प्रतिदिन चलाएं कम से कम 2 बार, जिससे कि ऑक्सीजन का प्रवाह होगा। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जीवाणुओं को तो एनोरबिक कंडीशन पैदा हो जाएगी और गुड़ के द्वारा फर्मेंटेशन हो जाता है, जिससे हमारे जीवाणुओं को नुकसान पहुंचेगा। किसान साथियों, एक और प्रयोग मैं कर रहा हूं। ये जो 200 लीटर का ड्रम है जिसमें हमने जीवामृत बनाया है, इसमें मैं एक ड्रम में 1 किलो सरसों की खली, जो पीली सरसों की खली है मेरे घर की, आप देख लीजिए, ये मस्टर्ड केक, येलो मस्टर्ड केक, वो और डालूँगा। और जब ये तैयार हो जाएगा 10 दिन बाद, तब मैं इस जीवामृत का और जो बिना सरसों की खली के हैं उन दोनों का लैब में टेस्ट कराऊंगा और ये देखूंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि एक किसान भाई ने मुझे बताया था कि इससे उनके पौधों में बहुत अच्छी वृद्धि। मैंने 3 ड्रम में जीवामृत बनाया है। एक ये ड्रम है और ये दूसरा ड्रम है जिसमें अभी पानी भर रहा है, और ये तीसरा ड्रम है। तो इस प्रकार प्रत्येक माह मैं 3 ड्रम जीवामृत बनाता हूँ। अब मैं इस ड्रम से, जब ये 10 दिन बाद तैयार होगा, आज 3 तारीख है और ये 13 तारीख को तैयार हो जाएगा, जिसे हम 15 तारीख तक इसको प्रयोग करेंगे। जब मैं इसको 13 तारीख को ड्रम को खोलूँगा तो इसका सैंपल लूँगा और इस दूसरे ड्रम का सैंपल लूँगा और इनको टेस्ट करा कर ये देखूँगा कि इन दोनों में क्या अंतर आया है। और इसको मैं आपको इसके अगले भाग में बताऊंगा। यह है मेरा जीवामृत बनाने की विधि और मैं इसको प्रयोग कैसे करता हूं कि जितना जीवामृत है उतना ही इसमें पानी मिलाता हूं। और अभी तक जो 4 बार है मैंने प्रत्येक पौधे में 1-1 लीटर उसकी कैनोपी के अंदर डलवाता हूं हर माह। इस बार मैं, चूंकि मेरी ड्रिप सेट हो गई है पूरी और जितना भी पानी है वो सारा ड्रिप के माध्यम से यूज होता है,
पहले मुझे कुछ पानी बाहर छोड़ना पड़ता था, इसलिए अब की बार मैं इसे ड्रिप के माध्यम से प्रत्येक माह दूंगा। किसान साथियों, हमें जब भी कोई नई बात पता चलती है तो हमें उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने खाद का प्रयोग किया था और उसे लैब में टेस्ट कराकर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था, इसी तरह से इसको प्रस्तुत करूंगा जिससे कि कुछ किसान भाइयों को फायदा हो। किसान साथियों, आज मुझे एक प्रदीप कुमार जी हैं जो एटा मैनपुरी के रहने वाले हैं। जब मैंने उन्हें जीवामृत के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा मेरे पास गाय तो नहीं है, तो मैंने उन्हें एक वीडियो सजेस्ट की थी जो राजीव दीक्षित जी की थी, जिसे वो कहते हैं कि ये जैविक खाद है। उसमें जिस जानवर का गोबर होता है उसी जानवर का पेशाब मिलाते हैं और बाकी तीनों चीज़ें सेम होती है। उन्होंने मुझे बताया कि त्यागी जी, अब की बार मेरी जो आलू की फसल है वो इतनी अच्छी है कि आसपास के किसान मुझसे पूछते हैं कि आपने इनमें क्या दिया है। मैंने उनसे कहा है कि आप अपने खेत की वीडियो भेजिए और उसको मैं एक किसान ऐसा भी है कि अंतर्गत दिखाऊंगा। तो किसान साथियों, ये था हमारा पहला भाग जीवामृत के ऊपर। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।